सभी दोस्तों को नमस्कार। गुरु आश्रम के चैनल पर सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का जो री एग्जाम होने वाला है उस पर चर्चा करेंगे कि आखिर इस कम समय में समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की अगर हम बात करें तो इस परीक्षा को कैसे क्वालिफाई किया जाए। समीक्षा अधिकारी यानी कि आर ओ की बात कर रहा हूँ, आर ओ मतलब रिव्यू ऑफिसर, ठीक है, और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर यानी कि सहायक समीक्षा अधिकारी का। आप सभी जानते हैं कि री एग्जाम होने वाला है, 10 से 12 लाख बच्चे फॉर्म फिलअप किए हैं, लेकिन पीटी सभी क्वालिफाई तो करेंगे नहीं। पीटी क्वालिफाई करने की एक रणनीति होनी चाहिए और उसी रणनीति पे जो है आज मैं आप सभी से बात करने वाला हूं कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा को कैसे क्वालिफाई करें, ठीक है। तो अगर हम बात करें समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा की, अगर हम बात करें प्रारंभिक परीक्षा जो कि प्रारंभिक परीक्षा जहां तक मेरे सोर्सेज है, ये आपकी प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है आपकी अक्टूबर नवंबर में। समय ज्यादा है, काम कम है, ठीक है, हालांकि काम कम नहीं है, काम ज्यादा है, समय कम है पढ़ने वाले बच्चों के लिए। तो प्रारंभिक परीक्षा की अगर बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा के देखिए अगर दो पेपर होते हैं, एक पेपर होता है सामान्य अध्ययन का, सामान्य अध्ययन का, और दूसरा पेपर जो होता है आपका वो पेपर होता है आपका हिंदी का, ठीक है। एक पेपर होता है सामान्य अध्ययन का जो 140 क्वेश्चन आते हैं आपके, और दूसरा पेपर होता है हिंदी का जिसमें आपके 60 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन जो होता है वो एक नंबर का होता है, यानी कि एक क्वेश्चन एक नंबर का होता है, यहां पे भी एक क्वेश्चन एक नंबर का होता है, लेकिन निगेटिव मार्किंग भी होती है 1/3 का, यानी कि माइनस मार्किंग भी 1/3 का इसमें होता है। अगर प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड को देखा जाए कि भाई कितने नंबर लाए तो पीटी क्वालिफाई कर रहे हम लोग, तो कम से कम जो है आपको इस सामान्य अध्ययन की परीक्षा में जो है फर्स्ट पेपर में जो है आपको 85 प्लस क्वेश्चन सही करने हैं, और हिंदी में जो है आपको कम से कम जो है 55 प्लस क्वेश्चन सही करने हैं, यानी कि दोनों को मिला दिया जाए तो आपका 140 क्वेश्चन सही करने हैं, यानी कि 130 से ऊपर रहेंगे एकदम सेफ जोन में रहेंगे, क्योंकि पिछली कट ऑफ 127-128 गई थी। तो मैं मान के चल रहा हूं चूंकि बच्चों को टाइम मिल चुका है और टाइम मिल चुका है तो सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, और अगर आप पीटी की परीक्षा क्वालिफाई अगर नहीं करोगे तो फिर मेंस नहीं दोगे। और ज्यादा इसमें यूपी यूपी अपर की तरह नहीं है कि आपको जीएस के चारों पेपर पढ़ने हैं, मेंस के लिखने हैं, इसमें सिंपल सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर है। इसमें जो सामान्य अध्ययन का पेपर 140 का ये देख रहे हैं आप, 60 का ये देख रहे हैं, अगर आप मेंस दोगे ना जब आप मुख्य परीक्षा दोगे तो वही आपका जो 140 है वो 120 में कन्वर्ट हो जाता है, और जो हिंदी का जो पेपर है वो 60 का 60 है, यानी कि जो 200 नंबर की तैयारी आप यहां कर रहे हो 140 और 60 को लेके, वो आपका देखेंगे यहां पर तो 120 और 60 में कन्वर्ट, यानी कि 180 नंबर सेम आपके मेंस में भी पूछता है। तैयारी एक बार करेंगे लेकिन लाभ इसका कई बार होगा, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे कि आखिर इसको प्रारंभिक रणनीति हमारी क्या होनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहली चुनौती है हमको पीटी क्वालिफाई करने का। तो पीटी क्वालिफाई करने के लिए हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हम कम मतलब समय में जो है अच्छे से इसको तैयारी कर लें, जो अभी लोग तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले इतिहास पे अगर हम बात करें, इतिहास पे, इतिहास में तीन सेशन है, इसमें अगर देखेंगे सेक्शन है, एक आपका प्राचीन है, मध्यकालीन है और आधुनिक है। अगर हम प्राचीन के बारे में बात करें तो प्राचीन से कम 4-5 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, गुप्तोत्तर वंश, इन सबसे संबंधित तो फैक्चुअल डेटा आजकल ज्यादा पूछे जा रहे हैं। मध्यकालीन का भी वही 5 क्वेश्चन के आसपास पूछे जाते हैं, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन 10 प्लस को जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके आधुनिक भारत से पूछा जाता है। और कहां से पूछा जाता है सबसे ज्यादा, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से लेकर आजादी तक पूछा जाता है। जैसे अगर हम बात करें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या पार्लियामेंटो सुधार या स्वदेशी मूवमेंट या बंगाल विभाजन या चंपारण अहमदाबाद खेड़ा असहयोग आंदोलन खिलाफत आंदोलन सविनय अवज्ञा दांडी मार्च गोलमेज सम्मेलन, सब क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। भारत छोड़ो आंदोलन, क्रिप्स मिशन, बेबेल योजना, कैबिनेट मिशन, सब क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, यानी कि सबसे ज्यादा फोकस करना है आपको आधुनिक भारत में, ठीक है। हमको 140 में 140 नहीं लाना है, हमको 90 क्वेश्चन कम से कम सही करने हैं, 85 प्लस सही करने हैं अगर पीटी को क्वालिफाई करना है तो, क्योंकि रणनीति ये जाननी बहुत जरूरी है कि पीटी क्वालिफाई कैसे करें, क्योंकि सब में आपको ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा नंबर लाना है, आपको सिर्फ उस सब्जेक्ट पे पकड़ बनानी है जो आपकी अच्छी है और अच्छा करना है उसको। राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी की बात की जाए तो राज्य व्यवस्था में आपके कम से कम 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये राज्य व्यवस्था का टॉपिक ऐसा है कि अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, 10 में 10 आप ला सकते हो।
आर्टिकल पढ़ने हैं, राज्यपाल, राष्ट्रपति, लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, मानवाधिकार, जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं, फंडामेंटल राइट्स क्या है, ये सब प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उसको आपको वित्त आयोग क्या है, नीति आयोग क्या है, ये सब क्वेश्चन आपके बहुत सामान्य से प्रश्न जो है आपके पॉलिटी में जो है पूछे जाते हैं। इसलिए ज्यादा जो है दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जो मैं बोल रहा हूं बस उतना अगर आपने कर लिया तो पीछे से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि मैं वहां तक पहुंचा हूं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं उन चीजों को, मैं आरओ आरओ की परीक्षा को बहुत अच्छे से जानता हूं, बस समझदारों के लिए इशारा काफी है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें विज्ञान के बारे में, साइंस के बारे में बात करें, तो साइंस में तीन सेगमेंट है हमारे, एक फिजिक्स है, केमिस्ट्री, एक बायोलॉजी है, पीसीबी। सबसे ज्यादा प्रश्न आपका 50+% जो है क्वेश्चन आपके कहां से पूछे जाते हैं, तो 50% से ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं बायोलॉजी सेशन से, ठीक है। सबसे ज्यादा प्रश्न आपके विटामिन के बारे में, ठीक है, कोई कवक के बारे में, प्रोटोजोआ, ये सब प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आपके 30% अगर देखा जाए तो आपके प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो फिजिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर 20% की बात अगर मैं करूं तो 20% क्वेश्चन जो है वो केमिस्ट्री से पूछे जाते हैं। तो सबसे ज्यादा मेहनत किस पे करना है, बायोलॉजी पे करना है, फिर फिजिक्स पे करना है, फिर केमिस्ट्री पे करना है, ठीक है। तो ये रणनीति है, इस रणनीति को आपको अच्छे से जानना चाहिए। अगर हम भूगोल के बारे में बात करें तो भूगोल में दो है, एक भारत का भूगोल, दूसरा विश्व का भूगोल। सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ये भारत का भूगोल हो गया, ये विश्व का भूगोल है, ठीक है। इन दोनों को अगर हम मिला दें तो 10 से 15 क्वेश्चन हर साल परीक्षा में देखने को मिलते हैं। सबसे ज्यादा प्रश्न इससे रहता है, अगर 70% इससे क्वेश्चन पूछेगा तो 30% इससे क्वेश्चन आपका पूछेगा। एकदम बेसिक बेसिक प्रश्न, कौन सी घास कहाँ पे पाई जाती है, ठीक है, तो ये सब प्रश्न आपके सबसे ज्यादा पूछ, कहाँ पर उत्पादन ज्यादा होता है, कहाँ पर कम होता है, ये सब प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें यूपी स्पेशल, एक बहुत बड़ा रोल है यूपी स्पेशल का, तो क्योंकि यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा, मुस्कुराइए आप उत्तर प्रदेश में है, जो यूपी का स्लोगन है। क्योंकि पहले ऑप्शन सब्जेक्ट हुआ करता था, वैकल्पिक विषय हुआ करता था, अब वैकल्पिक विषय को हटा दिया गया, उसकी जगह पे जो है पांचवा और छठवां पेपर जो है यूपी का, क्योंकि आप यूपी के अधिकारी बनने वाले हैं, यूपी के बारे में आप सब कुछ जानना है आपको, ठीक है। तो इसीलिए जो है यूपी स्पेशल का भी वेटेज बढ़ गया है, और कम से कम जो है 8 से 10 प्रश्न जो है आपको यूपी के बारे में पूछे जाएंगे, जैसे एक जिला एक उत्पाद से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर साल पूछा जा रहा है, ठीक है। यूपी में कितने मंडल हैं, कितने जिले हैं, कितनी विधानसभा की सीटें हैं, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, कौन सी पार्टी कितनी परसेंटेज वोट पाई है, ये सब प्रश्न आपके यूपी के बारे में आपको जानना चाहिए। तो यूपी से भी आपके अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं। अर्थव्यवस्था में जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे राज्य सरकार की हो चाहे वो केंद्र सरकार की हो, इससे भी 10 से 15 क्वेश्चन आपके हर साल परीक्षा में पूछे जाते हैं। बजट से भी यूपी बजट का एक बहुत बड़ा रोल है, यूपी बजट भी आपको देख के जाना है, ज्यादा नहीं बस फैक्चुअल डेटा पढ़ के जाना है, उसी से प्रश्न परीक्षा में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करें जनसंख्या और नगरीकरण, यानी कि पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन, जनसंख्या एवं नगरीकरण, ठीक है, कौन सी मतलब जनघनत्व यूपी में सबसे ज्यादा किस जिले का है, कहां पर लिंगानुपात कम है, कहां पर ज्यादा है, कहां पर शिक्षा का क्या रेशियो है उत्तर प्रदेश में, ये सब प्रश्न आपसे परीक्षा में, कहां पर स्वच्छता में कौन ज्यादा है, कौन कम है, ये सब प्रश्न आपके जनसंख्या और नगरीकरण में कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पॉपुलेशन अर्बनाइजेशन भी आपके टॉपिक में है, इससे भी 10 से 15 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो आपके मैथ और रीजनिंग, तो मैथ और रीजनिंग से जो है कम से कम, चूंकि सीसेट पढ़ना है सभी को, भाई यूपीएससी दो चाहे स्टेट पीसीएस, तो सीसेट तो क्वालिफाई करना है ना आपको, तो कम से कम मैथ और रीजनिंग से 10 प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये 10 क्वेश्चन जो अच्छे से सीसेट पढ़ा होगा वो 10 में 10 पा जाएगा वो, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन आपके मैथ और रीजनिंग से पूछे जाते हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें करंट अफेयर, यानी कि करंट अफेयर का एक बहुत बड़ा रोल है उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में, कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन जो है आपके पूछे जाएंगे। चूंकि आप सभी जानते हैं कि री एग्जाम होने वाला है, और री एग्जाम जो होने वाला है वो री एग्जाम आपका अक्टूबर नवंबर में होने वाला है, तो मैं कहूंगा कम से कम 1 से लेकर 1.5 वर्ष तक का पूरा का पूरा करंट अफेयर आप सभी को पढ़ना होगा। क्योंकि सचिवालय की जॉब है भाई, हल्की जॉब नहीं है, 4800 ग्रेड पे की जॉब है, एक रेपुटेटेड पोस्ट है आपका, जिंदगी भर आप सचिवालय में बैठेंगे या प्रयागराज में बैठेंगे, आप समझिए आप लोक सेवा आयोग में। तो कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन करंट अफेयर के आपसे पूछे जाएंगे।
तो अगर मैं मोटा मोटी अगर देखा जाए, अगर आपका पर्यावरण और पारिस्थितिकी से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी यानी कि एनवायरनमेंट से भी जो है आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, इससे भी कम से कम आप देखेंगे बाघ परियोजना क्या है, कम से कम 8 से 10 प्रश्न हर साल परीक्षा में आपके अप डाउन होते रहते हैं, फ्लैक्चुएट होते रहते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि किसी साल ज्यादा पूछेगा किसी साल कम पूछेगा। तो अगर पर्यावरण एंड पारिस्थितिकी का देखा जाए, जैसे बाघ परियोजना क्या है, टाइगर परियोजना, जितने भी हमारे वन जीव संरक्षण जो उसके बारे में पूछ देगा, ठीक है, कौन सा उद्यान कहाँ पर इसके बारे में पूछ देगा, रेड डाटा लिस्ट के बारे में पूछ देगा, IUCN के बारे में पूछ देगा, सतत विकास लक्ष्य में कौन कौन से गोल है उसके बारे में पूछ देगा। तो ये मोटा मोटी आपसे क्वेश्चन जो है आपके पर्यावरण और पारिस्थितिकी में जो है आपसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो जितना भी मैंने आपको GS में बताया कि कैसे कैसे करके जो है जो प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उस हिसाब से मैंने एक ट्रेंड बताया कि ये ट्रेंड चल रहा है और आपको ऐसे तैयारी करनी है। आपको मैंने कहा शुरुआत में कि आपको 140 में 140 नहीं लाना है, आपको आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको कोशिश ये करना है कि 90+ क्वेश्चन हमारे जो है सही हो, ठीक है, बिना नेगेटिव मार्किंग के, सब कुछ काट पीट के जो है 90 क्वेश्चन जो है हमारा सही होना चाहिए। तो सामान्य अध्ययन की अगर हम बात करें, तो सामान्य अध्ययन में हमने देखा कि सामान्य अध्ययन में जो है हम लोग को कैसे कैसे करके हम लोग को परीक्षा को जो है क्रैक करना है। उसके बाद अगर हम बात करें हिंदी का, हिंदी में देखेंगे तो 6 सेगमेंट दिया हुआ है इसमें, ठीक है, टोटल अगर देखेंगे तो 6 सेगमेंट है, जिसमें तत्सम तद्भव दिया हुआ है, तत्सम तद्भव क्या है, विशेषण विशेष्य दिया हुआ है, विशेषण विशेष्य क्या है, ऐसे ही करके पर्यायवाची दिया हुआ है, विलोम दिया हुआ है, अनेक शब्दों के एक शब्द दिया हुआ है, ठीक है, अनेक शब्दों के एक शब्द दिया है, एक शब्द दिया हुआ है, ठीक है, वाक्य शुद्धि भी दिया हुआ है, कुछ क्वेश्चन 5 क्वेश्चन उससे भी आ जाते हैं, और मुहावरे और लोकोक्तियां भी दिया हुआ है। ये सब कुल मिला के आपसे देखेंगे मुहावरे और लोकोक्तियां भी हैं इसमें, मुहावरे और लोकोक्तियां भी हैं। इसके साथ साथ देखेंगे तो आपसे शुद्ध अशुद्ध वाक्य भी पूछ देता है परीक्षा में। कुल मिला के अगर आप देखेंगे 60 क्वेश्चन आएंगे, 6 सेगमेंट है, 10 गुणे 6 कर लीजिए, 60 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन एक नंबर का रहेगा, एक क्वेश्चन एक मार्क्स का रहेगा, और आपको कम से कम 55+ जो है आपको स्कोर करना है, तब जाके आप परीक्षा क्वालिफाई करेंगे। एक बहुत बड़ी पोस्ट है, रेपुटेटेड पोस्ट है, समीक्षा अधिकारी बनना सबका सपना होता है, सभी लोग PT क्वालिफाई नहीं करते हैं, उसका कारण यही है कि सभी लोग सब पे मेहनत करते हैं। आपको यह देखना है कि हमको क्वेश्चन पूछ कहां से रहा है। अगर हमसे आधुनिक भारत से प्रश्न पूछ रहा है, किस कोर सेगमेंट से ज्यादा प्रश्न पूछ रहा है, मान लीजिए मैं कहूं स्वदेशी मूवमेंट से, या बंगाल विभाजन से, या अगर मैं कहूं मार्लेमेंटे सुधार से, या कहूं लखनऊ समझौता से, क्या हर साल प्रश्न नहीं पूछा है? अब इसके लिए करना क्या है, करना यह है कि सबसे पहला कि प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना है, सभी को, जितने भी प्रीवियस ईयर PYQ जितने भी है, पूरे PYQ को देखना है आप सभी को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपको देखना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से एक आइडिया डेवलप होता है कि क्वेश्चन पूछ कहां से रहा है। दूसरा, गुरु आश्रम के द्वारा जो है अभी टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया जा रहा है, बहुत ही जल्द आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि टेस्ट सीरीज देने से क्या बेनिफिट होता है, सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि जो निगेटिव मार्किंग है जिसके कारण आप गलतियां करते हैं, वो गलतियां कम करेंगे, इसलिए लगातार टेस्ट देना चाहिए आप सभी को। अगर कोई पेपर पहले भी दिया हुआ है फिर उसका री एग्जाम है, ठीक है, या आने वाले किसी को भी टेस्ट जरूर देना चाहिए, क्योंकि अगर आप GS का सिलेबस देखेंगे तो बस 140 क्वेश्चन तो सेम है, अगर अपर PCS में 150 क्वेश्चन पूछता है तो यार क्वेश्चन तो वही है ना, RO में चाहे अपर में, दोनों चीजें सेम है, सिलेबस भी दोनों का सेम है। तो कम से कम टेस्ट जो है लगातार आप सभी को देना है, जिसमें हिंदी में आप लगातार पढ़ तो रहे हो, लेकिन किसी भी तरह का प्रश्न, जैसे मान लो पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, या जो जल्दबाजी में आप गलतियां करते हो कि नहीं नहीं देखते हो आप लोग, असत्य नहीं देखते हो आप लोग, बार बार गलती कर देते हो, वो गलतियां नहीं करोगे। इसकी वजह से जो है आपके गुरु आश्रम के द्वारा टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया जा रहा है, आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी परीक्षा को और मजबूती के साथ जो है अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्हीं से शब्दों के साथ मैं अपने आज के क्लास सेशन को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो आज का जो चर्चा था, समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की तैयारी कैसे करें, एक बहुत बड़ा चांस है, इस चांस को भुलाइए मत, आप सभी लोग अच्छे से उसको भुनाइए, ठीक है।
क्योंकि बार बार मौका नहीं मिलता है, क्योंकि आप लोग परीक्षा को भूल जाते हो। अभी उत्तराखंड दे दूं कि अपर दे दूं कि लोअर दे दूं कि पेट दे दूं कि समीक्षा अधिकारी, अगर आप समीक्षा अधिकारी की तैयारी करते हैं, ये मान के चलिए समीक्षा अधिकारी की अगर आप तैयारी करते हैं, सिर्फ समीक्षा अधिकारी की अगर मैं बात करूं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका सिलेक्शन 100% होकर रहेगा, बशर्ते सही रणनीति हो, सही अप्रोच हो। अगर आप देखें, मैंने कहा कि 140-160 मैंने बोला पीटी में, तो 120-160 तो सेम ही है आपका, ये दोनों तो सेम है ना। अगर मेंस की बात करूं तो, अगर मेंस की मैं कहूं तो मेंस में तो देखिए आपका 180 मार्क्स तो सेम है, बशर्ते आप 120 नंबर के, इससे पूछ देगा एक अलग हो जाएगा, और उसके साथ 100 नंबर का पत्र लेखन पूछ देगा, 100 मार्क्स के पत्र लेखन, बस यही दोनों अलग है, बाकी सब तो सेम है ना। तो अगर आप पीजी की तैयारी करते हो तो आपका तो ये भी तैयार हो रहा है ना, आपका ये भी तैयार हो जा रहा है आपका, आप ये सोचिए। तो टेस्ट अगर आप ये दोगे तो इसका भी टेस्ट आपका लगातार क्लियर होते जाएगा। तो आप सभी जो है गुरु आश्रम के टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, बेहतरीन जो सिलेक्टेड है उनके द्वारा वो टेस्ट बनाया गया है। तो आप सभी जो है गुरु आश्रम के दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू ऑल ऑफ यू।